इससे पिछले मॉड्यूल्स में टूल फ्रेमवर्क और टूल की पायलटिंग पे मैंने बात की थी। इसमें अब हम टूल डेवलप हो गया, पायलटिंग के बाद आपने टूल फाइनलाइज कर लिया और अब आप एक्चुअल डेटा कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, जो रिसर्च के क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आपने डेटा कलेक्ट करना है। तो टूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ अहमियत रखती है। आपका टूल बेशक बहुत अच्छा बन गया हो, यानी रिलायबल भी हो, वैलिड भी हो, इसके बावजूद इम्कान है कि आप करेक्ट डेटा कलेक्ट ना कर सकें अगर आप उस टूल को ठीक तरीके से एडमिनिस्टर नहीं करते। ख़ास तौर पे ऐसी टूल एडमिनिस्ट्रेशंस जहां एक आदमी सारा डेटा कलेक्ट ना कर रहा हो बल्कि बहुत सारे लोगों ने डेटा, मतलब मेरा सैंपल जो है वो 4 शहरों से है और मैंने 1000 लोगों से डेटा लेना है, तो मैं एज ए रिसर्चर तो खुद हर जगह ट्रेवल नहीं करूँगा, ना पॉसिबल है करना। तो मैं ऐसी सूरत हाल में अपने साथ अपने कोलीग्स को शामिल करता हूँ या अपने को रिसर्चर्स को साथ हेल्प लेता हूँ डेटा कलेक्शन में। तो आप देखिए कि अगर मेरे डेटा कलेक्शंस के मैकेनिज़म्स डिफाइंड नहीं हैं तो मैं हो सकता है किसी जगह डेटा लेने जाऊँ तो और तरीके से डेटा कलेक्ट करूँ। मैं जाता हूँ, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लोगों से कहता हूँ अच्छा आप ये ले जाएं, जाके अपने अपने कमरों में बैठे आराम से फिल कर दें, दे दें। मैं टीचर की ऑब्जर्वेशन करने के लिए गया हूँ, फ़र्ज़ कर लीजिए, तो मैं ऑब्जर्वेशन में अपनी जो रेटिंग्स लगाता हूँ वो मैं और सोच से लगाऊँ और मेरा दूसरा कुलीग किसी और जगह किसी और टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है वो और सोच से कर रहा हो, तो हम दोनों ज़ाहिरन एक ही टूल पे डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे लेकिन हमारा डाटा कलेक्ट करने का प्रोसीजर और थिंकिंग प्रोसेस पर्पस जो है वो क्योंकि जहन में एक जैसा नहीं है, तो लिहाजा हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो आपस में कंपेटेबल नहीं होगा, वो सेम ग्राउंड्स पे इकट्ठा नहीं किया गया होगा। तो टूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर होना ये उतनी ही अहमियत रखता है जितना अच्छे टूल का बनना अहमियत रखता है। एक मिसाल देता हूँ फिर जो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमने कुछ किसी टेबल की लेंथ मेजर करनी है और हमने बड़ा अच्छा एक एक्यूरेट फुट्टा बना लिया है, मेजरिंग स्केल हमने बड़ा ज़बरदस्त ले लिया। अब मैं मेजर करता हूँ तो मैं उसको यूं ऊपर से रख के ऐसे देखता हूँ लंबाई, कोई दूसरा आदमी उसी को इस्तेमाल कर रहा है और वो साइड से लगा के देखता है उसको, कोई तीसरा आदमी किसी और जगह से उसको लगा के उसकी लेंथ नापता है, उसी चीज़ की सेम चीज़ की लेंथ, और हम क्योंकि मुख्तलिफ एंगल से उसको देख रहे होते हैं तो मुमकिन है कि मेरी ली हुई रीडिंग और आए, किसी और की और आए, किसी और की और रीडिंग आए, और तीनों अपनी जगह यही कह रहे हैं कि हमने लंबाई नापी है उसकी। अब उस मेज़ की लंबाई तो नहीं बदल रही, वो तो फिक्स्ड है, हमारे देखने के हमारा टूल भी ठीक है, हमारे देखने के तरीके की वजह से मुमकिन है कि वो तीनों दफ़ा फ़र्क मैयस दे दे जो उसके असल लंबाई से फ़र्क हो। तो कसूर ना टूल का हुआ ना ऑब्जेक्ट का हुआ जिसको मैयर कर रहे हैं, कसूर जो है उस टूल को एडमिनिस्टर करने वाले का है। अब भले कसूर एडमिनिस्टर करने वाले का हो या टूल का हो या उस ऑब्जेक्ट का हो, आपके पास रीडिंग तो गलत आ गई और फिर उस गलत रीडिंग को लेके आगे मैं जितने फैसले करूँगा वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो टूल एडमिनिस्ट्रेशन की अहमियत समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये एक एनालॉजी रखी। अब ये कि ऐसा ना हो सके, इसका तरीका कार क्या है, जो आपके सामने स्लाइड पे तमाम स्टेप्स नज़र आ रहे हैं इनको आप फॉलो करिए। मसलन आप सबसे पहले ट्रेनिंग मटीरियल यानी टूल को इस्तेमाल करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो डेवलप करें, जो आप तमाम उन लोगों से शेयर करेंगे जो इसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि तमाम एक तरीके से उसको इस्तेमाल करें। आपकी बनाई हुई गाइडलाइंस प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें फालतू लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना हो, वो गाइडलाइंस अपने अंदर एरर फ्री होनी चाहिए ताकि तमाम लोग जो उसको इस्तेमाल करें उनको समझ आए और वो उसको उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे आप कहते हैं। फिर आप एक सैंपल सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके एक दफ़ा, उसके बाद आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे। ये रिसर्च एथिक्स का मामला है,
आप जिनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको ये इतला देंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि आपके इस डेटे से हम क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, इसका कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और आप उसको अश्योर करेंगे कि इस डेटे का मिसयूज़ नहीं होगा। इसी तरह फिर आप रिसर्चर्स की ट्रेनिंग करेंगे जिन्होंने ये डेटा कलेक्ट करना होता है, उन्हें टूल के बारे में ओरिएंटेशन देंगे, रिसर्च का पर्पस बताएंगे, रिसर्च टूल के इस्तेमाल करने के प्रोटोकॉल सिखाएंगे, टाइमिंग बताएंगे कब डेटा कलेक्ट करना है और कहाँ कहाँ जाना है। आप फिर उन इदारों से अपॉइंटमेंट्स ले लेंगे जहाँ से ये डेटा कलेक्ट करना है, उन असातिज़ा से कंसेंट ले लेंगे जिनसे ये डेटा कलेक्ट करना है, और फिर उनके दिए हुए स्केड्यूल पे जाके उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आप उन पे ये रिसर्च टूल एडमिनिस्टर करते हैं, और इस दौरान फिर भी आप उसको मॉनिटर करते हैं कि जब डेटा कलेक्शन चल रही हो तो आप ऑफ एंड ऑन सिलेक्टिवली कुछ जगहों को विजिट करते हैं जहाँ ये डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, ताकि आपने जो कुछ पीछे एहतियाती तदाबीर सिखाई या की थी आप खुद जाके ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी देखने के लिए कि वो वैसे ही कंडक्ट हो भी रही हैं या वो वैसे कंडक्ट नहीं हो रही। ये प्रोसेस कहने में बहुत सिंपल और लॉजिस्टिक नौइयत का है, लेकिन इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई एरर रह जाए, कोई गलती रह जाए, तो इसकी इम्प्लीकेशंस उतनी ही बड़ी हैं जितनी गलत टूल बनाने की या जितनी किसी भी और रिसर्च स्टेप को गलत करने की है। तो इसको बड़ी एहतियात के साथ, बेशक लॉजिस्टिक चीज़ है लेकिन बहुत थॉरो प्लानिंग के साथ आप करेंगे, ताकि आपका डाटा जो कलेक्ट होके आए वो ट्रस्टेबल हो और आप उसके ज़रिए से जो रिजल्ट्स लोगों को पेश करें उन पे इतबार कर सके लोग।